पाकिस्तान में इस वक्त एक केस के जो दुआ जहरा केस के नाम से मशहूर है और तकरीबन तमाम दुनिया ही में लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और सभी परेशान हैं और दुआ गो भी हैं अब ये केस एक इनफरादी केस नहीं रहा किसी एक घर का या किसी एक बच्ची का केस नहीं रहा खुदा वबारक ताली से दुआ है कि इनके वालदेन को और ज़्यादा ताकत और कुदरत और तोहफ़ी कदा फरमाएँ कि के इस केस को एक तहरीक की सूरत में लेके चल रहे हैं तो चलते रहें और जाहिर है कि कोई भी काम कामयाबी की हद तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, जब तक के लोग साथ ना हों तो लोग भी साथ हैं और लोगों की दुआएं भी साथ हैं और दुआ है कि व तआला तमाम वालिदैन को इसी तरह से अपने बच्चों के दिफा की तौफीक अता फरमाए हमने भी इस मसले पर डिस्कशन किया और साथ ही पूजा कुमारी और दीगर कौम की उन बेटियों को भी डिस्कस किया कि जिनका ताल्लुक हिंदू दीन से है या मसीही हैं हम अपने इस गुफ्तु में चंद मौजुआत को डिस्कस करना चाहते हैं कि जिनमें से सबसे अहम मौजू यह है कि बाज़ गलत बातें कि जो माशरे को ख़राब करती हैं ग़लत नज़रियात कि जिनकी वजह से मुजरम और ज़्यादा तकवीत हासिल करते हैं इसी तरह से हम इस जानब तोज्जो दिलाना चाहते हैं कि जब इस कस्म के वाक़ हों तो उनसे हमें दर्स लेना चाहिए और फिर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझना चाहिए और साथ ही जो वजूहत हैं उन्हें भी समझना चाहिए उमूमन हम देखते हैं कि इन मौाक़ पे वो लोग जो सो कॉल्ड मजहबी अपने आप को समझते हैं या हैं बज़ाहिर वो बिलाखिर शोर मचाना शुरू करते हैं कि जी ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया बिलाशक बेतदाली और बेदीनी बाज़ दफ़ा बस बुरी चीज़ों का सबब बनती है लेकिन हमेशा बेअदाली या बेदीनी को सबब करार देके मुजरमों को छुपाना नहीं चाहिए मिसाल के तौर पर काफी लोगों ने इस मौजू को डिस्कस किया कि बच्ची के पास मोबाइल क्यों था या गेम क्यों थे तो यहां पर हम सवाल करेंगे कि ये वाली बातें एक हद तक सही हैं कि मोबाइल कंट्रोल होना चाहिए गेम्स कंट्रोल होने चाहिए लेकिन इन बातों को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए कि जिसके बाद ये लगे कि अगर किसी के पास मोबाइल है अगर कोई बच्चा या बच्ची गेम्स खेल रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टी जो चाहे कर ले यही हाल है कि बाज़ लोगों ने कहा कि जो रेप केसेस हो रहे हैं ये बेपर्दगी की वजह से हो रहे हैं खातन के ड्रेसेस की वजह से हो रहे हैं तो ये क्या जहालत की बातें हैं यानी अगर कोई खातून बारीक कपड़े पहने या बेपर्दा हो ये एक अलग मौजू है कि इस्लाम इसे पसंद नहीं करता लेकिन ये कहना कि आप के कपड़ों की वजह से आपको रेप कर दिया गया या खुवान की आबरू पर हमला किया गया और उसके बाद खीन ही की मलामत की जाए तो इस कस्म की बातों में दर हकीकत इस्लाम के नाम पर या ईस्टर्न कल्चर के नाम पर खुतिन पर अटैक किया जाता है अब इसमें तो शक नहीं कि मिडिलस्ट हो या फारस्ट हो और अक्सर मुमालिक का जो कल्चर रहा है उसमें ख़वातन को दबाने की कोशिश की गई है कहा जा सकता है कि मर्द सालारी का कल्चर रहा है कि मर्द पावर में रहे इन्हीं चीज़ों का नतीजा कहा जाता है कि जी मर्द तो करते ही हैं ये जबकि अगर आप किसी भी दीन की निगाह से देखें तो गुनाह जो भी हो अगर मर्द करे तो वो भी काबिल मजम्मत है खवातीन करें वो भी काबिल मजम्मत है लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पर मर्द के गुनाह को इतना सीरियस नहीं लिया जाता बल्कि खवातीन के गुनाह को लिया जाता है और ये अलामत है इस बात की कि इस माशरे में दीन नहीं है बल्कि मर्दों की पावर वाला कल्चर है कि जिसमें खवातीन का इससेसाल किया जा रहा है जिसकी एक मिसाल हम दे सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद इलाकों में कारोकारी के चक्कर में मार दिया जाता है लेकिन उन इलाकों में या बाज और इलाकों में आज तक हमने नहीं देखा कि कारा कारा के चक्कर में किसी को मारा जाए हम नहीं कहते कानून किसी भी उनवान से हाथ में लिया जाए लेकिन हम मिसाल ये दे रहे हैं कि वहां पर यह गैरत सिर्फ खवातीन के लिए है वहां पर शरीयत क्या सिर्फ खवातीन के लिए है वहां पर शरीयत फकत उस मर्द के लिए है कि जो किसी खातून से ताल्लुक बरकरार करे नाजायज आया वहां पर गैरत खुदा व वाली के कानून की मुखालफत की है या फ़कत ख़वा के बारे में उनकी गैरत है तो जवाब यह है कि उनकी गैरत फ़कत और फ़कत और फ़कत ख़ के बारे में है अब ये जो बातें की जा रही हैं कि मोबाइल फ़ोन बच्चों के पास ना हो तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ मिस यूज़ हो सकती है बड़ों के लिए भी मोबाइल फ़ोन ख़तरनाक होता है अगर उसको मिसयूज़ किया जाए बच्चों के लिए भी होता है अब गेम्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक आम सी चीज़ है वो भी मिस यूज़ हो सकते हैं अब इसमें शक नहीं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए लेकिन इन बातों के जरिए से यह कहना कि फिर तो होना ही यही था यह गलत है क्योंकि यहां से रिलीफ मिलता है मुजरिमों को तो हम यहां पर बताते चलें कि यह वाली बात कि जी कपड़े ऐसे थे तो खातिन पर हमला हो गया यह मुजरिमों का दर हकीकत दिफा है अब यहां पर हम सवाल करते हैं कि जिस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे या लैंड लाइन भी नहीं थी या घर से लड़कियां भी नहीं निकलती थीं और अगर निकलती थीं तो गली के किसी कोने तक जाती थीं क्या उस जमाने में हमारे इंडिया पाकिस्तान में लड़कियों का अगवा आम नहीं था क्या बाजारों में लड़कियां नहीं बिकती थीं क्या वो मोबाइल की वजह से बिकती थीं या गेम्स की वजह से अगला सवाल अगर लड़कियां घर में हैं तो क्या हमारे पाकिस्तान में घरों पर डाके के दौरान लड़कियों की आबरू को पामाल नहीं किया जाता लड़कियां अकेली ना जाए फर्ज की बात यह है चलेंगे छोटी बच्चियाँ अकेली न जाए या बच्चे हों एहतियात करनी चाहिए लेकिन जब जवान लड़कियां अगर पढ़ने जा रही हैं तो पढ़ने ना जाए या अगर पांच बेटियां हैं तो बाप उनको छोड़ने जाए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उन पर जब हमला किया जाता है उन्हें अगवा किया जाता है तो उनका क्या होगा अब अगला मरहला जी बाप के साथ जाए तो क्या इसी पाकिस्तान में बाप के साथ जाने वाली और, और माओ के साथ जाने वाली बेटियों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा के अगवा नहीं किया गया खुवान की इज्जत पे हमला हो रहा है क्योंकि उनके कपड़े नाजुक हैं कबर में लड़कियों की आबरू पामाल हो रही है वो किस वजह से क्या कफन नाजुक है या कबर का स्लैब नाजुक है छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है क्या उन पर भी पर्दा वाजिब था दो दो साल की बच्चियों पर लड़कों पर जिनसी तशद हो रहा है क्या उनको पर्दा कराना था फिर हम देखते हैं अस्पतालों से बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं क्या वो पैदाशुदा बच्चियां और बच्चे मोबाइल यूज कर रहे थे गेम्स इस्तेमाल कर रहे थे तो देखना होगा कि पाकिस्तान में इस तरह से जो बदअमनी फैली हुई है जबकि इस जदीद दौर में हर जगह कैमरे लगाए जा सकते हैं मुख्तलिफोर्से बनाई जा सकती हैं और सेफ्टी के काम किए जा सकते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यह सारे ही काम हो रहे हैं हत्या लड़कियाँ कब्र में महफूज़ नहीं हैं अस्पतालों में पैदा होती हैं तो महफूज नहीं हैं तो हम गुजारिश करेंगे कि सिर्फ ये वाली बात कि जी फलानी के पास मोबाइल था फ़लानी ने गेम्स खेला तो ऐसा हो गया अच्छी बात है कंट्रोल होना चाहिए लेकिन ऐसा लब लहजा कि जिसके बाद ऐसा लगे कि जी माँ बाप की सरजनी हो रही है कि आपकी बच्ची के पास मोबाइल था अब तो होना ही यही था नहीं क्यों ऐसा होना था तो यहां पर कल्चर को और सोच को बदलने की ज़रूरत है दूसरी जिम्मेदारी क्या है दूसरी ज़िम्मेदारी यह है कि इस बच्ची के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना कि इज्जत लुट गई कि ना किया जाए इज्जत नहीं लुटती इस चीज़ से यानी अगर हम में से भी किसी के साथ कुछ हो जाए मर्दों के साथ या हत्या बड़ी उम्र के फर्द के साथ तो बस वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा यह हमें माशरा बदलना पड़ेगा कि इसके साथ कुछ लोगों ने एक ज्यादती की है इसका कोई कसूर नहीं है इस ज्यादती से पहले और इस ज्यादती के बाद इस शख्स में या इस लड़की में कोई फ़र्क नहीं आया है। अब माशरे की जिम्मेदारी यह है कि इसको बुरी निगाह से ना देखे इसका मजाक ना बनाए खौफ खुदा करे कि यही सब कुछ उनके घर में भी हो सकता है उनकी बच्चियों के साथ भी या उनके घर के अफराद के साथ भी हो सकता है माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि जो दुआ जहरा के, के केस में माँ बाप ने वाकई जरूरत का काम अंजाम दिया कि खुदा व तआला उनको और ज़्यादा ताकत अदा फरमाए और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा सपोर्ट उनको करें और जो मज़ाक बना रहे हैं हम उनके लिए बद तो नहीं कर सकते लेकिन इतना कह सकते हैं कि फक़त एक लहजे के लिए सोचें अगर ये सब कुछ उनकी बेटी के साथ हो तो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी जिस तरह से लोग अजीब अजीब बातें करके कि जिनके काम नहीं चल रहे थे जिनको जानता नहीं था वो यूट्यूब पर कमा रहे हैं कल ऐसा ना हो कि उनकी बच्चियों के अल्लाह ना करे कि उनकी बच्चियों के जरिए से लोग कमाएं यह कमाने का वक्त नहीं है यह कल्चर चेंज करने का वक्त है यह चैलेंज का वक्त है तो मां बाप भी यह जान लें कि बच्चे हमारे हैं हम इस मसले में बहुत ज्यादा बोल्ड हैं हम खुल के कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं यह कुछ भी कर लें फिर भी हमें इनको आखिर में दलदल में नहीं ढकेलना है यानी अगर किसी के बेटा या बेटी बदतरीन गुनाह भी कर लें हमने उनको समझाया नहीं माने फ़र्ज कर लें बदतरीन गुनाह में मसरूफ हो गए क्या इसके बाद भी हम उन्हें छोड़ दें मजीद बर्बाद होने के लिए ना फर्ज करें किसी की बेटी या बेटे की अगवा के बाद गलत कोई वीडियो बन गई तो क्या उसको छोड़ दें इसके बाद भी नहीं छोड़ना है हमें अपने बच्चों की आखिर वक्त तक किफालत करनी है चाहे वह बागी होकर चले क्यों ना जाए बागी होकर भी चले जाएं तो भी हमें उन्हें दोबारा प्यार से वापस लाना है उनका दिफा करना है किसी भी फर्द को कि जो थोड़ा सा गुमराह हुआ हो उसको मुकम्मल हमें दलदल में नहीं फेंकना है ये बिल्कुल गलत कल्चर है कि जी हमने ताल्लुक तोड़ लिया किसी से ताल्लुक नहीं तोड़ना है चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो चाहे वो नादानी में कोई ऐसा काम करें या उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाए हमें उन्हें आखिर हद तक सपोर्ट करना है और उनका दिफा करना है यही जिम्मेदारी है माशरे की किसी घर में अगर केस हो तो उसको उछालें नहीं मजाक ना बनाएं उनका बल्कि उनका दिफा करें और सिर्फ ये सोचें कि अगर ऐसा हो भी गया किसी के साथ यानी ज़बरदस्ती या किसी की लड़की ने कुछ कर भी लिया अपने इरादे और अख्तियार से तो उसके बहन भाइयों का क्या कसूर है उनसे किस चीज़ का इंतकाम लिया जाए उनसे क्यों नातों को तोड़ा जाए उनके यहाँ शादियाँ क्यों ना हों सिर्फ यह सोचा जाए कि अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या इस बात को पसंद करेंगे कि हमारी बाकी बेटियों के रिश्ते ना आए या उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स हों हमने जो तवज्जो दिलाई सबसे पहले कि तमाम इंसानों का दिफा किया जाए तमाम अदियान के बच्चों और बच्चियों का दिफा किया जाए रिगार्डलेस कोई भी मजहब और दीन और कल्चर हत्ता कोई इथियस भी हो उसकी बेटी का भी दिफा किया जाए हत्ता ये जो बात की जाती है हर पाकिस्तानी ना हर इंसान सही है पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं लेकिन अगर यहाँ पर कोई बांग्लादेशी हो तो क्या वो हमारी बेटी नहीं है कोई और किसी मुल्क से आई हुई हो तो क्या वो हमारी बेटी नहीं है हर इंसान इंसान है और हर लड़की हमारी बेटी है अब ये जिम्मेदारी है चंद बैरिस्टर्स खवातीन की जो पाकिस्तान में हैं काबिल एहतराम जजेस खवातीन वकला खवातीन अब इनमें से कुछ ऐसी हैं जो रिटायर हो गई होंगी और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अब हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो हम उनकी तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह अल्लाह यानि अल्लाह सुबहाना तआला की इबादत और इतात फकत मस्जिद में नहीं होती या जो भी जिस दीन में है मसलन अगर मसीही है तो चर्च में नहीं होती या मंदिर में नहीं होती अल्लाह की इताअत का एक तरीक़ा जो बेहतरीन तरीक़ा है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है आज हमारी दरख्वास्त है कि ना देखें कि कौन हिंदू है कौन ईसाई मसीही है ये देखें कौन इंसान है उसका दिफा करें बल्कि इससे बढ़कर किसी जानवर पर भी जुल्म गलत है जानवर का भी दिफा करें उसका भी सबाब है लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये जो एक तहरीक शुरू हुई है दुआ जहरा के नाम से दर हकीकत ये तहरीक है और इसको फकत ना समझें कि ये एक बच्ची के लिए है क्योंकि कोई भी तहरीक एक इंडिविजल प्रॉब्लम से शुरू होती है इसको एक तहरीक की सूरत में आगे बढ़ाएं तमाम वकला जजेस बैरिस्टर्स आर्मी की खातीन फोर्सेस की खातन बड़े बड़े ऑफिसर्स की बेगमात आगे बढ़ें एन जी इन कामों को अंजाम दें और हमारी गुजारिश है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया वाले हैं वो इस दुआ ज़हरा के केस को फॉलो कर रहे हैं करते रहें लेकिन हर केस में जिक्र करें हिंदू बच्चियों का और जो बाकी मसीही बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ इसी तरीके से गरीब माँ बाप की बच्चियों के लिए बात करें अगर वो इस पर राजी हों कि उनके केसेस को आगे लाया जाए उन गरीब बच्चों के माँ बाप को बुलाएं बाकी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि बिला शक बहुत सारे नेक काम हैं हज है उम्र है मस्जिद बनाना दीन के काम करना यह सब नेक काम हैं कुछ मुख्य हजरात उठें एक बड़ा फ़ंड बनाएं जो हिंदू बच्चियों के दिफा के लिए मुसलमान बच्चियों के दफा के लिए मसीही बच्चियों के दिफा के लिए और रिगार्डलेस कल दीन और सेक्ट्स लोग उठें इंसानों के दिफा के लिए और उसमें कोई तसब ना करें जो भी मुजरम है जिस दीन का भी मानने वाला हो जिस मजहब का भी मानने वाला हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो भी मजलूम है जिस दीन का भी मानने वाला हो जिस मजहब का भी मानने वाला हो हती किसी दीन और मज़हब का ना भी मानने वाला हो वो खुल के अगर कोई कहता हो कि मैं इथियस्ट हूँ लेकिन अगर उस पर जुल्म हुआ है तो हम उसका भी दिफा करें और उस पर जुल्म करने वाले की मजम्मत करें और पर जुल्म करने वाले को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ आखिर में तो दिलाएँ कि जो हम कई दफ़ा तोज्ह दिला चुके कि यह हमारा माशरा दर हकीकत मर्द सालारी का माशरा है यानी सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास हो उसका नतीजा यह है कि खावन के मामले को फकत गत का मामला बना दिया गया है कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो खूस मर्द हजरात उस घर के मर्दों को किसी तरीके से ना छेड़ें गुना है उनको अजियत देना और मर्द भी ये जान लें कि खूस भाई हजरात के अपनी मजलूम बहन को इस चक्कर में कि कत्ल कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा ऐसा नहीं है वो बाप बन के सोचें इसी तरीके से तमाम माशरे वाले इन बच्चियों का बाप बन के माँ बन के सोचें कोई भी किसी और की बच्ची समझ के इस केस को या किसी भी केस को ना देखें आखिर में हमारी गुजारिश है कि हिंदू बच्चियों के जो केसेज़ हैं हमने भी जब लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया तो पहले हमने पूजा कुमारी को डिस्कस किया आज क्यों पूजा कुमारी को भुला दिया गया है रिंकल कुमारी को क्यों भुला दिया गया है हिंदू बच्चियों को क्यों भुला दिया गया है क्या पाकिस्तान में हम हिंदुओं का दिफा नहीं करेंगे क्या वो गरीब हैं तो उनका दिफा नहीं करेंगे क्या गरीब की इज्जत नहीं होती या हिंदू की नहीं होती या मसीही की नहीं होती जब तक ये कैदें चलती रहेंगी दीन के नाम पर और मजाहब के नाम पर जब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे कि जी फ़लाने का फ़लाना दीन है और फ़लाने का फलाना मजहब है जब तक हम ये सोच के इंसानियत को देखेंगे तो याद रखें कि इस माशरे में जुल्म होता रहेगा इंसानियत पहले है इंसान होगा तो वो हिंदू होगा इंसान होगा तो वो मसीही होगा इंसान होगा तो वो यहूदी और मुसलमान होगा इंसान होगा तो वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट या शिया या सुन्नी होगा हम किसी जानवर से नहीं पूछते लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जब भी ज़िक्र हो दुआ जहरा का कि खुदा व वाली से दुआ है कि उनके वालदे को और ताक़त अदा फरमाएँ और केस सही समझ में जाए और इसे पावरफुल लोग अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं यानी बच्ची को नुकसान पहुँचाने के लिए तो दुआ है कि खुदा व वाली उनकी हिदायत फरमाए और अगर हिदायत के काबिल नहीं हैं तो उनको नीस्त व नाबूद फरमाए लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि आप इसको एक तहरीक की सूरत में चलाएँ कानून साजी की जानब जाएं इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरे पाकिस्तान में शादी की एक ऐज होनी चाहिए और कोर्ट मैरिज के लिए ऐज को बढ़ाना चाहिए और मुख्तलिफ शर्त शुरूत होनी चाहिए